श्योपुर में बाल श्रम की बात करें तो संवैधानिक तौर बाल श्रम अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं बाल श्रम को लेकर बाल मजदूरी निषेध नियमन 1986 के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है, मगर इसके बाद भी श्योपुर जिले में बाल श्रम करवाए जाने से परहेज नहीं किया जा रहा और न ही श्रम विभाग के द्वारा बाल श्रम को लेकर कदम उठाया जा रहा है। यही कारण है कि जिले भर में चाय की दुकान से लेकर जूस आदि की दुकानों पर बच्चों से बाल श्रम करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सर्वाधिक बाल श्रम ईंट भट्टों और पत्थरों व रेत सप्लाई करने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों पर देखे जा सकते हैं, जहां बाल श्रमिकों की संख्या में जिले भर में इजाफा होता दिख रहा है। अब पंचर की दुकान से लेकर किराना व्यावसायिक गतिविधियों में भी बच्चों को नियोजित किया जा रहा है। श्रम विभाग के साथ ही बाल संरक्षण समिति का भी बाल मजदूरी को लेकर ना तो कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना ही इसे रोके जाने के क्रम में कोई प्रयास दिखाई दे रहा है, जहां जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को न केवल भविष्य उनका अंधकार में खो रहा है और मजदूरी के बोझ के तले दबकर भी खोता जा रहा है, जबकि बच्चों का काम है स्कूल जाना ना कि मजदूरी करना। बाल मजदूरी के माध्यम से उन्हें धकेला जा रहा है। जिला प्रशासन जिले भर में संचालित नियोजनों में नियोजित बाल मजदूरी को मुक्त कराए जाने को लेकर कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बाल श्रम मैं यहाँ पे अभी एक महीने की अवकाश पे था, अब आज एक तारीख को ज्वाइन किया हुआ हूँ। अब कार्रवाई और मैं यहाँ पे अकेला पदस्थ हूँ, यहाँ पे बाबू भी नहीं है और कर्मचारी और एक इंस्पेक्टर अकेला ही हूँ। नहीं तो अभी तक आपकी पदस्थापना से लेकर के अभी तक पदस्थापना में अटैचमेंट में हूँ, दतिया मेरी पोस्टिंग है जी, यहाँ पे संलग्नीकरण हूँ और कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे कोई नहीं होने दे, विभागीय कार्य और ऑफिशियल काम इतने हो जाते हैं तो उसकी वजह से अभी कहीं निरीक्षण के लिए संपादित नहीं हो पा रहा है।